गाइस पूजा संपन्न हुआ नायगत किचन में। खाना बनाया था मैंने अपने हाथों से, मटर पनीर और खीर और पूरी तो नहीं बनाया दोस्तों, जो बात है साफ। लेकिन उस टाइम क्या, तो गाइस ये देखिए मैंने बनाया था मटर पनीर और ये खीर और ये पूरी। खाना मैंने निकाल लिया, चलते हैं खाते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल्स और हमारी सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ। आप लोगों ने लास्ट और ब्लॉग देखा था, उसमें मैं रेडी नहीं था दोस्तों, लेकिन अब मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि अब पूजा स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि इधर देख सकते हैं, अब पूजा की सारी तैयारी मैडम जी ने कर लिया है, बस कुछ ही छोड़ों में पूजा स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने उनका मेकअप देखा था, मेकअप अपने हाथ से किया था, हल्का फुल्का मतलब जो भी गलती हो उसे माफ़ करना दोस्तों, और जो भी है अपने हाथ से किया वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फिर मेकअप में जाना फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भैया खुद से करो वही बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया। तो उस टाइम तो फुल तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैडम जी हमारी फुल रेडी हो गई हैं, आप लोग को दिखाते हैं। जय हो करवा माता की जय, हैप्पी करवा चौथ फिर से एक बार आप सभी को। तो आइए पूजा आप लोग के साथ करते हैं दोस्तों, क्योंकि पता है अभी मुझे ड्यूटी भी जाना है, तो क्या करें पूजा पाठ करवा के फिर जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि हम लोग दो लोग रहते हैं ड्यूटी पे, तो वो भी भैया उनका भी करवा चौथ है। और इधर देखिए हमारी और पता है अभिका को ना सुला दिया है, सो नहीं रही थी भाई साहब, इतना ज़्यादा बोलते हैं ना बच्चे, जिस दिन काम होता है उस दिन सच में उनको पता चल जाता है कि आज घर में कुछ फंक्शन है, तो इसे हो जाता है। चलो पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, सच में आज बहुत सुंदर लग रही हो। पता है मैंने ना आँख में चीटी काट लिया, मैंने आईलेसेस निकाल के देखा। अरे कोई बात नहीं, चीटी काट लिया बताओ आईलेसेस आँखों में। तो बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं उससे पहले, जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में। और हाँ पता है आज मैं सुबह से उठ गया हूँ ना, हमको ना नींद भी आ रही, क्या करें दोस्तों, पूजा भी करवाना है फिर ड्यूटी भी जाना है, बाहर आ जाओ ऐसे ही होता है। तो बने रहिए मिलते हैं हम लोगों से। तो गाइस इधर देख सकते हैं मैडम जी पूजा करने के लिए विराजमान हो गई हैं, और ये है हमारी करवा माता, जय हो करवा माता की जय। और लांगा में बैठ पूजा करना काफी दिक्कत लग रहा होगा ना, सुंदर लग रहे हो आज यार सच में, क्या सुंदर लग रहे, चीटी काट लिया आप फूल गए पता है। कोई बात नहीं, मुझे तो शादी की दिन याद आ गई। ये देखिए दोस्तों, श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए साड़ी है, अभी तो सब सारा तैयारी कर लिए हैं बस, क्योंकि हमें पता है लहंगा में तो बैठा ही नहीं, इसलिए सारा तैयारी करके बस पूजा करने बैठे हैं। पूजा तो जरूरी है, चुनरी आप नहीं लाए हो, लाए हो चुनरी लाए हैं जी। ये जगह बहुत लेता है इसके लिए ना, जय हो करवा माता की। तो गाइस यहाँ पे तो हम अकेले पूजा, मतलब मैडम जी अकेले पूजा कर रही हैं, अगर साथ होते तो और कुछ नए तरीके से होता, तो कोई भी भूल चूक हो माता रानी माफ़ करिएगा, आपके हम छोटे बालक नन्हे बालक नादान बालक हैं।
देखिए जल लगने के लिए थोड़ा सा अच्छा रखा जाता है। कपूर तो एक यहाँ कपूर कैसे है? इस पे क्या बना है? स्वास्तिक। तो गाइस इधर देखिए करवा माता जी को इन्होंने श्रृंगार और जो सब सामान होता है सब ये भी अर्पित कर दिया। ये मैया रानी माफ करिएगा कोई भूल चूक हो, हम बच्चे हैं नादान आपके, हम आपके बालक हैं नादान। तो गाइस इधर आप देख सकते हैं सारा मतलब श्रृंगार का सामान है जो चढ़ाया जाता है, साड़ी है और काजल है, बिंदी है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है और महावर है, कंघी है, चूड़ा है और भी ये बिछिया भी है चांदी का और रबड़ बैंड है, तो इतनी मेहंदी है, इतना सारा सब कुछ मतलब सिंगार का सामान ले लिया। अगर कुछ कमी होगा तो आप लोग बताइएगा, मैंने तो सब ले लिया। और ये 11 रुपये का चढ़ावा करवा माता को। चलिए फाइनली गाइस इधर पूजा संपन्न हुआ है। तो गाइस माता जी का पूजा संपन्न हो गया है और चांद भी निकल गया है, तो चलते हैं चांद को देख के फिर इनको पाए। चांद पता है निकल तो गया लेकिन ना पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा। पेड़ से हाँ छिप गया लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है, तो आ जाओ चलते हैं फिर चंदा मामा जी को भी देख के फिर आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं व्रत पूरा करवाते हैं। तो आ जाइए जल्दी से बाहर, फिर पता है मुझे भी ड्यूटी जाना है गाइस। सच में यार कभी कभी सोचते हैं यार पास में होते हुए भी, और फंसा वाले दिन खास करके ऐसा हो जाता है मज़ा नहीं आता है। और मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, 30 पे भी हुआ था ना, 30 पे हुआ था, करवा चौथ पे भी हुआ था, मतलब हो जाता है ऐसे, कितना भी सोचें कि साथ में रहें लेकिन क्या करें दोस्तों, नौकरी है तो करना ही पड़ेगा, हर चीज़ मैनेज करना पड़ना है। आ जाओ तो अपना ये दिया वो लगा रही हैं, सजा रही हैं, तो आते हैं तो फिर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि सबका त्यौहार अच्छे से बीता होगा और अच्छे से बीतना ही चाहिए, हमारी ये दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा। तो गाइस आ गए हैं चंदा मामा, पेड़ के उस साइड में हैं, थोड़े से छिप गए हैं और क्या मैंने फ़ोन को स्टैंड में लगा दिया है। यहाँ पे ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, हाँ पूरा भरा हुआ है। और कहते हैं ना आज पतियों का सेवा का दिन होता है, तो आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, आज ऐसा दिन है कि हम लोग पूजे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करो भाई अपना कार्यक्रम। सबसे पहले उनको जो अर्पित करते हैं, नीचे ना जाएगा, हाँ कंप्लेन आने लगेगा, नीचे लोग आ भी जा रहे हैं ना, कुछ पकड़ना है ना, पकड़ लू ये पकड़ना है बस ये है। चलो लंबा वाला टीका लगा दो, लंबा लगा दे, हाँ लंबा वाला अच्छा लगता है। बस
वो आरती करेंगे ये चलने देखेंगे। चलने देखो मैं दिया रखना इसमें तो ये वाला, हाँ आराम से हाथ चल जाएगा। सदा सुहागन रहो, खुश रहो, हमेशा फलो फूलो। पहले इनका व्रत मैं पूरा करता हूँ दोस्तों। जय करवा माता की। तो गाइस मीठे में मैंने पता है बहुत ही टेस्टी खीर बनाया, और मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। बहुत ही टेस्टी खीर है। पानी तो पिला गया अभी तो पहुंचा नहीं था क्या? तो गाइस सच बताया, मेरे साथ साथ ना ये भी व्रत है, पता है क्यों? एक सुबह से मेरे साथ काम में लगे हुए, मेरे से ज्यादा काम आज इन्होंने किया है, क्योंकि मैं तो बेबी संभाल रही थी। तो आज का करवा चौथ पूजा संपन्न हुआ, कोई भूल चूक हो माता रानी माफ करिएगा, और आप लोग भी माफ करिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी पता है हम लोग न्यू मैरिड है, इसीलिए उतना एक्सपीरियंस नहीं। हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर से आप लोगों को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, पूजा संपन्न हुआ, नायगढ़ किचन में खाना बनाया था मैंने अपने हाथों से, मटर पनीर और खीर का। पूरी तो नहीं बनाया दोस्तों, जो बात है साफ, लेकिन उस टाइम क्या है मैं वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि उस टाइम मेरा ब्लॉग आया था शॉपिंग वाला, इसीलिए शूट नहीं हुआ। तो लोग कितने लोग सोच रहे हैं कि भैया आप बना नहीं सकते, मुझे सब आता है, बस पूरी और रोटी बनानी आता है, मैं सब कुछ बना लेता हूँ। तो इधर खाना गर्म कर लेते हैं, फिर खाना वाना खा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जिसको यकीन नहीं है कि आप नहीं बना पाते वो आ गए एक बार। नहीं आता है सबको, यकीन भी कर लेंगे। पता है दोस्तों मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, और कभी कभी बोलता हूँ बीबी से झूठ बोलना पड़ता है, तो सभी लोग बोलते हैं यार। क्या झूठ बोले हो यार आज तक? इसे कभी कभी कुछ आदमी बोलते हैं ना, हाँ नहीं यार नहीं पता है, ये बात तो है, तुम हमसे बहुत झूठ बोलते हो। तो खाना गर्म कर लेते हैं, फिर खाना निकालते हैं, फिर खाते हैं दोस्तों, फिर मुझे जाना है ड्यूटी। तो खा के बस निकलते हैं ड्यूटी, फिर आएंगे अपना रात में, क्यों जी? आप भी थोड़ा सा रेडी हो जाओ, क्योंकि लहंगा इतना भारी है ना दोस्तों कि सच में नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो चलो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, आप लोग की दुआओं सब अच्छे से हो गया, आप लोग भी अच्छे से करिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, माता रानी की भी दुआएं आप लोग के साथ हैं। तो बने रहिए, खाना गर्म करके निकाल के खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस ये देखिए मैंने बनाया था मटर पनीर और ये खीर और ये पूड़ी, तो खाना मैंने निकाल लिया, अब चलते हैं खाते हैं साथ में, क्यों जी? हाँ साथ में खाते हैं। और बेटी सो रही है, बहुत ही अच्छा लगा। पानी लेके आए? हाँ पानी लेके आओ आप। तो चलो गाइस खा के मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस नाश्ता खाना पीना हो गया है, और ये खा रहे हैं, और इनका लुक भी चेंज, गेटअप भी चेंज हो गया। मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए, ध्यान देना अपना, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा लग नहीं लगा आपको ड्यूटी जा रहे हैं हम, क्या करें, ड्यूटी है भाई, करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। पता है दिन भर भूखे रहो ना, फिर खाना भी नहीं खिलाता। वो तो भाई है। तो हमारी बेटी अभी क्या
सोने में इनका पूजा में संपन्न कराने इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक्स मेरी बेटी मेरा लल्ला। तो पापा जा रहे हैं ड्यूटी, आएंगे आप बाद में, और चलते हैं कुर्ते में ड्यूटी आज, वहाँ पे जाके चेंज कर लेंगे शर्ट वगैरह, तो थोड़ा सा लुक भी अच्छा लगेगा। कभी कभी कुर्ते में निकल जाएंगे ड्यूटी। तो चलो बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और कोई भी गलती हो एक बार फिर से दोस्तों आप लोग क्षमा कर देना, माता रानी आप भी क्षमा कर देना। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ फिर से आप लोग को। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय। चार्जर ले लो अपना। हाँ ठीक है।